डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटोनेटर्स या फॉक सिग्नल यानी पटाखे और कोहरा सिग्नल के बारे में इसके ऊपर हम पूरे पॉइंट्स देखेंगे सो अस से वन बाय वन सो डेटोनेटर्स इसको कहा जाता है या डेटोनेटर कहा जाता है या फॉक सिग्नल कहा जाता है और इन्हें ऑडिबल सिग्नल भी कहा जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है डेटोनेटिंग सिग्नल का मतलब क्या है ये पटाखे की तरह फटने पर जोर से आवाज करते हैं फॉक सिग्नल या कोहरा सिग्नल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोहरे के मौसम में सिग्नल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन बताना है तो लोको पायलट को अलर्ट करने के लिए भी डेटोनेटर्स का प्रयोग किया जाता है और ऑडिबल सिग्नल क्योंकि यह सुनाई देने वाला सिग्नल है इसलिए इसको ऑडिबल सिग्नल भी कहा जाता है दे आर अपलियांसेज विच आर फिक्स्ड ऑन द रेल्स ये एक तरह का उपक्रम है कहाँ लगाया जाता है रेल की पटरी के ठीक ऊपर लगाया जाता है और जब इसके ऊपर से इंजन या कोई वैगन गुजरेगा वैन एन इंजन और व्हीकल पासेज ओवर देम दे एक्सप्लोर विथ लाउड साउंड जब इसके ऊपर से इंजन या वैगन जाएगा तो ये फट जाएगा और ज़ोर से आवाज़ आएगी सो एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लोको पायलट तो ये लोको पायलट के ध्यान को आकर्षित कर लेता है इतनी आवाज इसमें होती है तो लोको पायलट समझ जाएगा कि आगे अवरोध है कोई प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्शन है देन डिटोनेटर सेल बी प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द रेल तो डिटोनेटर को हमेशा रेल की पटरी के ऊपर लगाना है ताकि ऊपर से जब कोई ट्रेन इंजन वैगन जाएगा तो ये फटना चाहिए क्योंकि हमारा जो एम है इसको लगाने का पटरी के ऊपर कि लोको पायलट को बताना है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब रेल की पटरी के ऊपर लगाएंगे तभी ये हो पाएगा और इसमें डेटिनेटर में रेड लेबल ऊपरला है रेड कलर का है ये पेंटेड इन रेड कलर और एल्यूमिनियम की फाइल्स लगी होती है जिसको हम क्लैश बोलते हैं तो इसको रेल की पटरी के ऊपर रख के एलुमिनियम की फाइल को हम रेल की पटरी में उसको बांध देते हैं उसमें अटैच कर देते हैं देन ताकि ट्रेन का हल्का फुल्का जो झटका ट्रेन पटरी हिलती है तो उससे ये बिल्कुल इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए डेटिनेटर्स आर मेनली यूज फॉर प्रोटेक्शन टू द ट्रेन विद इन और आउटसाइड द स्टेशन लिमिट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे स्टेशन सेक्शन में हो या ब्लॉक सेक्शन में हो तो लोको पायलट को सूचित करने के लिए हम डिटेटर का प्रयोग करते हैं पटाखों का प्रयोग करते हैं द डी आर एम सेल प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ डिटेटर्स स्टॉक टू बी केप्ट एट स्टेशन रनिंग शेड एंड एट पी डब्ल्यू आई ऑफिस तो इसका स्टॉक कहाँ रखा जाता है स्टेशन पर रहता है और रनिंग सेट्स जहाँ पे लॉबी है लाबी के इंचार्ज के पास रहेगा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पी के पास उनके ऑफिस में इसका स्टॉक रखा जाता है तो हर ऑफिस में कितना स्टॉक मेंटेन करना है डिपेंडिंग अपॉन इम्प्लाई स्ट्रेंथ वहां पे कितने इम्प्लाई काम करते हैं सब उसके आधार पर डीआरएम के द्वारा डिसाइड किया जाता है डीआरएम लेटर देगा और उसके हिसाब से उतना स्टेक मेंटेन करना चाहिए सो so, टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द ऑब्सट्रक्शन ऑन द लाइन वन डेटोनेटर सेल प्लेस्ट तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सपोज करिए कोई अवरोध है ऑब्स्ट्रक्शन है चाहे हमारा खुद ट्रेन का ही डिरेलमेंट हो गया है तो हम डेटोनेटर लगाते हैं ताकि दूसरी ट्रेन गलती से अगर आ जाए तो लोको पायलट अलर्ट हो जाएगा कि आगे कोई अवरोध है वो इस गति को कम कर लेगा तो यहाँ पे कई बार सब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसे हमारी ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है ब्लॉक सेक्शन में एप्सल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन है तो वैसे भी स्टेशन मास्टर कोई ट्रेन नहीं भेजेगा तो फिर प्रोटेक्शन करने की या डिटोनेटर लगाने की क्या ज़रूरत है तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये डिटोनेटर लगा के यानी जैसे हमारी ट्रेन किसी कारण से रुकी हुई है ज्यादा देर से रुकी है चाहे इंजन की खराबी हो वैगन की खराबी हो या कोई दुर्घटना हो गई हो हो हो, गया हो, तो पीछे की ओर ब्रेक बैन से पीछे 600 मीटर पर एक डिटनेटर इसको 600 मीटर वाले को बोला जाता है इंटरमीडिएट डिटनेटर और 600 के बाद फिर ब्रेक बैन से 1200 मीटर पर तीन पटाखे लगाए जाते हैं 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पे तीन पटाखे 1200, 1210, 1220 दस बीस मीटर पे तीन पटाखे लगाए जाएंगे और जो व्यक्ति पटाखा लगा रहा है स्टाफ हैंड सिग्नल लेकर यानी दिन में रेड फ्लैग और नाइट में रेड फ्लैशिंग लाइट को लेकर लास्ट डिटनेटर से 45 मीटर दूर सुरक्षित दूरी पे खड़ा होगा स्टाफ हैंड सिग्नल दिखाते हुए तो यहाँ पे ये जो 45 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है सेफ्टी रेडियस वो अपनी सुरक्षा के लिए है और इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है जो डिटनेटर लगा रहा है बाई चांस अचानक कोई ट्रेन आ गई डिटनेटर बर्स्ट हुआ तो जो व्यक्ति स्टाफ हैंड सिग्नल लेके खड़ा है उसको खुद को कोई नुकसान ना पहुँचे तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब स्टेशन मास्टर एप्सलूट ब्लॉक सिस्टम में एक समय में एक ही ट्रेन भेजता है तो वो ट्रेन जब ब्लॉक सेक्शन में किसी कारण से किसी खराबी से रुक गई है तो हम डेटमीटर लगा के एक और प्रोटेक्शन क्यों करते हैं उसका कारण यह है कि बाई मिस्टेक कोई लोग को पायलट कोई इंजन या कोई ट्रेन लेके आ गया जैसे स्पेड करके आ गया गलती से आ गया तो भी उसको सूचना देने के लिए अलर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये लिया जाता है जब कभी मान लीजिए कि हम रिलीफ लोगों की डिमांड करते हैं ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन है तो उस समय भी हम आगे की तरफ भी रिलीफ लोको जिधर से आ रहा है उधर भी प्रोटेक्शन करते हैं और पीछे की ओर तो प्रोटेक्शन करते ही हैं इन जिधर से ट्रेन आने की संभावना है सिंगल लाइन में दोनों तरफ से आ सकती है ट्रेन तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन करते हैं और डबल लाइन में पीछे की तरफ से आ, आ सकती है ट्रेन इसलिए हम पीछे प्रोटेक्ट करेंगे 600, 1200, 1210, 1220 मीटर पे और यदि रिलीफ लोको को मंगाया है डबल लाइन में तो आगे की ओर भी प्रोटेक्ट करेंगे ओके तो यह है कारण प्रोटेक्ट करने का एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने का और जो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है इन और टेम्पस्टुअस ब्रदर वेदर यानी मौसम खराब है फॉगी है इम्पेयरिंग विजिबिलिटी उससे हमारी दृश्यता बाधित हो रही है साफ नहीं दिखाई दे रहा है देन लोको पायलट को इंडिकेट करना है सिग्नल की पोजीशन, कि होम सिग्नल आगे कितनी दूर पे आने वाला है तो होम सिग्नल के ठीक पहले दो डिटमेटर लगाया जाता है 10 10 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे? 270 मीटर जिसको हम फॉक्स सिग्नल पोस्ट भी बोलते हैं तो फॉक्स सिग्नल पोस्ट पे वो, वो, होम सिग्नल से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पहले 270 मीटर की दूरी पर रहता है तो फॉक्स सिग्नल मैन पे दो पटाखे लगाएगा और वहां पे स्टॉप हैंड सिग्नल लेके खड़ा होके वेट करेगा ओके okay. देन एक सीजन में लगाया जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए लगाया जाता है दो पर्पज हो गया क्योंकि जब ये डेटनेटर कोहरे के मौसम में प्रयोग किया जाएगा उसी समय इसको फॉक सिग्नल कहा जाता है यदि सामान्य मौसम में ऑब्स्ट्रक्शन बताने के लिए प्रयोग किया गया है तो इसको डिटनेटर ही कहा जाता है वहाँ पे इसको फॉक सिग्नल नहीं कहेंगे फॉक सिग्नल कब कहेंगे जब ये फॉक सिग्नल पोस्ट पे लगाया जाता है कोहरे के मौसम में लोको पायलट को इ, वार्निंग देने के लिए चेतावनी देने के लिए कि होम सिग्नल आने वाला है या फर्स्ट स्टाफ सिग्नल स्टेशन का आने वाला है सो so, डेटनेटर का आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं रेड कलर का है और एल्यूमिनियम की उसमें पत्ती लगी हुई है रेलवे ट्रैक से बांधने के लिए देन बांधने के बाद किस तरह दिखता है वो भी फोटो यहाँ पर है देन तीसरा फोटो इसमें आपको इसका डालने का पर्पज क्या है कि सपोज करो कहीं ऐसी भी लाइन रहती है जैसे चेक रेल है या जहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे डाइवर्जन रहता है रेलवे ट्रैक का कि ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन चेंज करती है तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में हमें किस पटरी पे लगाना चाहिए पटाखा तो ब्लॉक सेक्शन में भी जहाँ पे कोई भी इस तरह का पॉइंट्स वगैरह नहीं है वहां भी कुछ लोग पूछते हैं तो उसमें के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है बट ट्रेडिशनली एक लेफ्ट तरफ एक राइट right तरफ फिर लेफ्ट की तरफ इस तरह से इसको बोलते हैं कैंची के सेप का लगाया जाता है ब्लॉक सेक्शन में लेकिन रिटर्न में इस तरह का कोई रूल नहीं है एक लेफ्ट साइड एक राइट right साइड फिर लेफ्ट साइड लगाने का रीजन यह है कि एक तरफ इंजन में लोको पायलट रहता है एक तरफ ए रहता है दूसरे गेट की तरफ तो दोनों तरफ बारी बारी लगाने से दोनों सुन लेते हैं उसी एक ट्रेडिशन के हिसाब से लेफ्ट राइट में लगाते हैं अदरवाइज ऐसा कुछ रिटर्न में रूल नहीं है लेकिन यहाँ पर भी हमें कॉमन सेंस से ऐसे समझना चाहिए कि जहाँ पे दो पटरियाँ एक तरफ दिख रही है एक तरफ सिंगल पटरी है तो कन्फ्यूजन हो सकता है लगाने वाले को कि मैं किस पटरी पर लगाऊँ तो हमेशा आप उस पटरी पर लगाइए जिसके ऊपर कंफर्म है कि व्हील जरूर जाएगी क्योंकि दो पटरियां उधर जो दूसरी तरफ दिख रही है ऊपर की ओर तो डायवर्जन हो रहा है वहां पे रेलवे ट्रैक का हो सकता है ट्रेन उस पटरी से जाएगी कि इस पटरी से जाएगी आप और हमें नहीं पता लगेगा तो इसलिए जो जिस तरफ एक ही पटरी है हम उधर अडमेटर लगाएंगे क्योंकि उधर तो कंफर्म है उधर तो व्हील जाना ही जाना है ओके okay, तो ये है अंडरस्टैंडिंग के लिए देन सिंगल लाइन में जैसा हमने आपको बताया कि प्रोटेक्शन आगे की ओर 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पे तीन पटाखा रख के किया जाएगा और नॉर्मली आगे की ओर कोई इंजन क्रू मींस ए सहायक लोको पायलट करेगा और पीछे की ओर गार्ड करेगा 600 मीटर पीछे भी वही डिस्टेंस है 600 मीटर 1200 1210 1220 मीटर पर और जो पटाखा लगाने वाला व्यक्ति है वो 45 मीटर दूर सुरक्षित दूरी पे अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे खड़ा होगा अब ये अगर सिंगल लाइन में रिलीफ लोको आ रहा है तो भी लगाने का यही नियम है हालांकि जब रिलीफ लोको आएगा तो नियम क्या है कि हम तीन पटाखे उठा लेते हैं और जो 600 मीटर आगे की ओर है रिलीफ लोगों के लिए रूल है कि वो 600 मीटर वाला इंटरमीडिएट डिटमीटर को बर्स्ट करना चाहिए ताकि रिलीफ लोगों को एक रिमाइंडर के लिए कि ट्रेन नज़दीक आ गई है हम और भी अलर्ट रहना चाहिए देखेंगे हम डबल लाइन में अब ये डबल लाइन में देखिए ट्रेन पीछे से ज़्यादातर ये डबल लाइन में जो सामने से ट्रेन आएगी बगल वाली लाइन पे आएगी पीछे से आएगी तो सेम लाइन पे आ सकती है तो सब यहाँ पे ब्रेक बैंड से पीछे सेम रूल है सेम डिस्टेंस है 600 मीटर 1200 1210 1220 दस मीटर लेकिन आप देख रहे हैं कि बगल वाले लाइन पर भी डेटमीटर लगाया गया है तो बगल वाले लाइन पे डेटमीटर लगाने की आवश्यकता कब है जब या तो डिरेलमेंट हो गया है या डिरेलमेंट होने की हमें आशंका है जब लोको पायलट गार्ड ए किसी को भी अगर कंफर्म है कि डे हो गया और एडजेसेंट लाइन बाजू वाली लाइन पे कोई ट्रेन आएगी तो साइड कोलिजन हो जाएगा एक नया एक्सीडेंट हो जाएगा टक्कर होने की संभावना है तो सबसे पहले बगल वाली लाइन पर ही डिटेक्टर लगाएंगे क्योंकि उधर से ट्रेन पहले आने की संभावना है या संदेह है मन में कि फाउल ये एडजस्टेंट लाइन फाउल्ड है कि नहीं फाउल्ड है डरेलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है खाली आवाज़ आई है ट्रेन में और ट्रेन रुक गई है तो पहले डिटमेटर लगा लेना चाहिए बगल वाली लाइन पे ताकि कोई एक और दुर्घटना ना हो हम बाद में चेक करेंगे कि एडजस्टेंट लाइन फाउल्ड है कि नहीं फाउल्ड है पता है फाउल्ड है तुरंत लगाना है शंका है संदेह है कि फाउल्ड हो सकती है तो भी लगाने के बाद हमें चेक करना चाहिए उसमें समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजू लाइन पे जो ट्रेन आएगी वो नॉर्मल स्पीड में आएगी एम में और एक साइड को लीजन एक नया एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी आगे हम देखेंगे सिंगल लाइन डबल लाइन आपने देख लिया बाकी प्रोटेक्शन का जो 6.03 का रूल है ऑटोमेटिक एरिया में ये सब डिटेल में हमने अलग वीडियो बनाया है सो उसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आगे हम डेटमेटर के बात बारे में ही बात करेंगे ये जैसे सपोज करिए कि ये जो सिंगल डिस्टेंट एरिया है अब आजकल तो डबल डिस्टेंट सिग्नल एरिया है तो फॉक सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं है लेकिन जहाँ पे सिंगल डिस्टेंट सिग्नल लगे हुए हैं एफसेलोट ब्लॉक सिस्टम में वहाँ पे फॉक सीजन में फॉक सिग्नल पोस्ट बनाने की फॉक सिग्नल मैन ड्यूटी लगाने की जरूरत है तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टाफ सिग्नल होम सिग्नल है उसके 270 मीटर पहले दो डेट मीटर लगाया गया है फॉक सीजन में ताकि लोको पायलट जब आएगा तो ये दो डेट मीटर बस्ट करेगा और अलर्ट होकर ट्रेन को रोक लेगा तो देखिए यहाँ पे ट्रेन आई है और ट्रेन ने बर्स्ट किया डेट मीटर और लोको पायलट अलर्ट हो जाता है और समय से गाड़ी को रोक लेता है तो ये फॉक्स का होम सिग्नल के लिए प्रोटेक्शन है Then, आगे हम देखेंगे। स्टेशन मास्टर एंड पीडब्ल्यूआई आई आर रिस्पॉन्सिबल टू सी दैट द दफिशियंट स्टॉक ऑफ इज अवेलेबल एट एनी टाइम विद तो स्टेशन मास्टर है पी डब्ल्यू आई है या दूसरे सुपरवाइजर्स है ट्रिपल सी चीफ क्रू कंट्रोलर सो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास सफिशियंट डेटमेटर्स उपलब्ध हैं एसएम विल सप्लाई डिटनेटर टू द गार्ड्स एट देयर हेडकोार्टर स्टेशन जो गार्ड हैं हमारे ट्रेन मैनेजर है उनको डिटनेटर देने की ए, किसकी डिटनेटर सप्लाई करने की जिम्मेदारी है एसएम एम की या एसएस एस की और जो हेडकोार्टर पे रहते हैं एसएम एसएस वो सप्लाई करेंगे और जो गेटमैन है उनके अंडर में स्टेशन मास्टर के अंडर में जो गेट है ट्रैफिक गेट्स है उनके गेटमैन को भी डेटनेटर की सप्लाई स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाएगा पीडब्ल्यूआई आई विल सप्लाई टू ऑल द गेटमैन की मैन और जो पीडब्ल्यूआई आई के अंडर में इंजीनियरिंग गेट्स है उनके की मैन है ब्रिज गार्ड है पेट्रोल मैन है उनको डेटनेटर्स पीडब्ल्यू आई के द्वारा दिया जाएगा सॉरी <coughs> चीफ क्रू कंट्रोलर जो ट्रिपल सी हम लोग बोलते हैं ही विल सप्लाई डेटनेटर्स टू ऑल द लोको पाइलट एट द डिपो अंडर कंट्रोल सो लोको पायलट्स को ट्रिपल सी सप्लाई दे, देंगे डेटनेटर सेल बी सप्लाइड इन ए टिन केस तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक टिन का केस रहता है उस केस में टोटल टेन डेटनेटर्स आते हैं तो एक डिब्बे जो टिन का केस है उसमें दस डेटमेटर है पायलट गार्ड गेटमैन ये ब्रिज गार्ड पेट्रोलमैन ट्रॉली ये सबको दस दस डेटमेटर दिया जाता है और की मैन को आठ डेटमेटर दिया जाएगा यानी पूरा टीम केस नहीं देते उसमें से दो डेटमेटर निकाल लिया जाता है और जो फॉक सिग्नल मैन सिंगल डिस्टेंट एरिया में जहां होम सिग्नल के पहले फॉक सिग्नल पोस्ट लगाई जाती है तो उसको 20 डिटनेटर्स यानी दो डिब्बे डिटनेटर के सप्लाई किए जाते हैं ये टिन के केस में सुरक्षित रखा जाता है द मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द केस लेवल एंड आल्सो स्टैम्प्ड ऑन द डिटमेटर्स सो डिटेटर्स के ऊपर और टिन केस के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग का डेट है वो मंथ और ईयर लिखा रहेगा प्रिंटेड रहता है मशीन से ओके okay? देन नंबर ऑफ डिटमेटर्स टू बी सप्लाइड के किस तरह के कर्मचारी को इम्प्लाई को कितना डिटमेटर दिया जाता है ये भी हमें याद रखना चाहिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेन मैनेजर हैं गार्ड है लोको पायलट हैं गेटमैन पेट्रोलमैन एक्सेट्रा जो पॉपुलर कैटेगरी है ब्रिज गार्ड ये सब उनको टेन डेटमेटर्स दिया जाता है फॉक सिग्नल मैन को डेट मीटर दिया जाता है और एक की मैन है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसको डेट मीटर दिया जाता है सो ये तीन तरह गिनती है 10 ज्यादातर लोगों को लोको पायलट गार्ड मैन सबको 10, फॉक सिग्नल मैन को 20 और की मैन को 8। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए देन एस एम पी डब्ल्यू आई एंड ट्रिपल सी जो स्टेशन मास्टर पी डब्ल्यू आई और चीफ क्रिव कंट्रोलर है सेल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टाफ यानी जो स्टाफ हमारा लोको पायलट हैं ट्रेन मैनेजर्स है गेटमैन है की मैन जो लोग डिटनेटर का प्रयोग करेंगे ड्यूटी में उनका नॉलेज टेस्ट भी वंस इन थ्री मंथ किया जाना चाहिए उनके इंचार्ज के द्वारा <laughs> तो नॉलेज टेस्ट करने के बाद फिर रजिस्टर में उनका एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा कि हाँ मेरा ऐसा टेस्ट हुआ और मुझे ये डिटनेटर यूज करने की जानकारी है तो स्टाफ का नॉलेज टेस्टिंग वंस इन ए थ्री मंथ और ये डिटनेटर की टेस्टिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो साल में एक बार बारह महीने में एक बार जो एक्सपायर्ड डिटनेटर है उस बैच में से दो डेटेटर निकाल के टेस्टिंग किया जाता है देन एस एम पी डब्ल्यू आई एंड ट्रिपल सी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द डिटमेटर अप्लाई टू द स्टाफ अंडर देयर कंट्रोल वंस इन ट्वेल्व मंथ सो so, बारह महीने में जो जिन्हें डिटमेटर्स की लाइफ को एक्सटेंशन दिया गया है यानी आजकल जो डिटमेटर की लाइफ है पाँच साल है पाँच साल के बाद हम एक एक साल लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं टेस्टिंग करने के बाद पांच साल के बाद एक साल एक्सटेंड करेंगे फिर टेस्ट करेंगे फिर एक साल फिर टेस्ट करेंगे फिर एक साल टोटल थ्री एक्सटेंशन दे सकते हैं तो फाइव प्लस एक्सपायर्ड है इनका साल में एक बार टेस्टिंग किया जाना चाहिए उस बैच नंबर में से दो डेटमेटर निकाल के टेस्ट करते हैं और तो इसलिए हर साल वो टेस्टिंग होगी डेटमेटर सेल बी टेस्टेड अंडर द एम्टी वैगन और खाली वैगन के नीचे यानी पुशिंग बैक करके टेस्टिंग किया जाएगा अटैच टू ये लोकोमोटिव लोको में वैगन को अटैच कर लेंगे खाली वैगन को और उसके नीचे पटाखे को टेस्ट किया जाएगा ताकि जब प्रैक्टिकल ड्यूटी में एमटी वैगन जा रहा है तो वहाँ भी फटना चाहिए ड्रिटनेटर को इसलिए एम वैगन के नीचे टेस्ट करना चाहिए और वैगन की स्पीड कितना होना चाहिए 8 टू 11 के एम ये भी हमें याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए कि 8 से 11 के एम पी एच के बीच में स्पीड होना चाहिए उस स्पीड से ट्रेन मूव करेगी उसके एमटी वैगन के नीचे डिटनेटर की टेस्टिंग होगी जब सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाएगी तो उस बैच को फिर एक लाइव बढ़ाया जाएगा The सुपरवाइजर supplying detonators to स्टाफ shall take out one detonator with oldest data manufacturing from the tin case supplied to the staff. जो स्टाफ को जो बैच नंबर या जो भी डेट सप्लाई किया गया है उसमें से सबसे पुराने डिटमेटर को उस बैच से निकाल कर टेस्ट किया जाएगा टेस्ट एंड मेड अप द डिफिशियंसी फ्रॉम द tin ऑलरेडी टेस्टेड और ऑलरेडी जो टेस्ट किए हुए हैं उनमें जैसे किसी तीन केस में से हमने निकाल के डिटनेटर टेस्ट किया है तो एक डिटनेटर उसमें कम हो गया तो उसको रिप्लेस करना है ऑलरेडी टेस्टेड डिब्बे में से निकाल के उसको टेस्ट करना है एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग नो पर्सन सेल बी अलाउड विद इन द रेडियस ऑफ 45 मीटर जैसा कि आपको हमने बताया कि ये डिटनेटर जब बर्स्ट होता है तो 45 मीटर से दूर खड़े रहना चाहिए उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए हालांकि प्रैक्टिकल में कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से 45 मीटर दूर खड़े होना चाहिए ताकि लोगों को कोई भी नुकसान न पहुँचे द इंजन क्रू सेल क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ़ द लोको और जो क्रू टेस्टिंग में भाग ले रहे हैं इंजन चला रहे हैं उनको अपना दरवाजे विंडोज सब बंद रखना ओके, सेल टेस्टेड ओनली बाय डब्ल्यू टीआई पीडब्ल्यूआई एलआई ट्रिपल सी इन्हीं डिटनेटर्स की टेस्टिंग खाली जो इंस्पेक्टर स्टाफ है सुपरवाइजर स्टाफ है वही करेगा टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर पीडब्ल्यूआई और एलआई आई मतलब लोकल इंस्पेक्टर या ट्रिपल सी चीफ क्रू कंट्रोलर सुपरवाइजर लेवल के ही व्यक्ति के सुपरविजन में किया जाएगा इन केस ऑफ गुड्स बुकिंग हेडक्वाटर एस एम सेल टेस्ट द डिटमेटर्स जहाँ पे गुड्स बुकिंग हेडक्वाटर्स है लॉबीज है वहाँ एस एम या एस एस के सुपरविजन में टेस्टिंग किया जाएगा द टेस्ट रिजल्ट सेल बी रिकॉर्डेड इन ए स्पेशल रजिस्टर मेंटेन विथ ऑल द पर्टिकुलर ऑफ डिटमेटर्स यूज फॉर टेस्टिंग एंड सेल बी कम्युनिकेटेड टू द सुइंग ऑफिसियल तो जो टेस्ट का रिजल्ट है ये पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उसके संदर्भ में जो इशुइंग ऑफिशियल इंचार्ज है हमारा डिवीजन हेड क्वार्टर में उसका रिपोर्ट पूरा भेजा जाएगा द स्टाफ इन पोजिशन ऑफ डेटनेटर सेल नॉट रफ हैंडल आर मिस यूज एंड सेल्फ बी केप्ट एट ए ड्राई प्लेस यानी डेटनेटर्स को ड्राई प्लेस में रखना चाहिए और जिस इम्प्लाई को इसकी सप्लाई किया जाता है वो लोग उसका कोई भी दुरुपयोग मिसयूज नहीं करेंगे ईच स्टेशन मास्टर पी डब्ल्यू आई एंड ट्रिपल सी सेल मेटेन रजिस्टर टू नोट नंबर ऑफ़ डिटमेटर्स रिसिव्ड एंड ईशू टू दाफ विद देयर एक्नॉलेजमेंट एंड एनी अदर रिलीवेंट रिमार्क्स सो इसका पूरा रिकॉर्ड मेन्टेन किया जाएगा एस एम पी डब्ल्यू आई ट्रिपल सी ऑफिसज में ए, कितना डिटमेटर हमें रिसीव हुआ है कितना इस्टाफ को इशू किया है और इम्प्लाई इशू करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट लेंगे सिग्नेचर लेंगे और कोई भी इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है तो पूरा रजिस्टर में नोट करेंगे अब बात आती है लाइफ ऑफ डिटमेटर तो जैसा कि आप जानते हैं पुराने टाइम में जो बिफोर 2010 के बने हुए हैं डिटमेटर्स टू वाले सब तो उनका लाइफ निकल गया पूरा भी कोई भी स्टॉक में नहीं रहेगा फिर भी पुराने टाइम में इनकी लाइफ होती थी सेवन ईयर्स और जो 2010 से बनना शुरू हुए हैं, 2010 में बने हैं या उसके बाद जो बन रहे हैं उनकी लाइफ फाइव ईयर्स है घटा दिया गया है लाइफ ओनली फाइव ईयर्स है तो फाइव ईयर के बाद लेकिन एक्सटेंशन देने का रूल वही पुराना है कि एक बार टेस्टिंग करके उस बैच में से दो डेट मीटर निकाल के टेस्टिंग करेंगे सक्सेसफुल रहा तो उस बैच की लाइफ एक साल बढ़ा दी जाएगी इस तरह फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन तीन एक्सटेंशन हम दे सकते हैं तीन बार बढ़ा सकते हैं उसके बाद उसको कंप्लीटली एक्सपायर्ड मान लिया जाएगा यानी यानी प्लस 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 होने होने के बाद, 8 साल पूरा होने के बाद बाद साल पूरा कंप्लीटली एक्सपायर्ड माना जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा फिर उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा सो so, ये जो 2010 और उसके बाद के बने हुए हैं सबकी लाइफ फाइव एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम थ्री एक्सटेंशन ऑन ईयरली टेस्टिंग बेसिस वन ईयर एट ए टाइम एक समय में टेस्टिंग करने के बाद एक ही साल बढ़ा सकते हैं पूरा तीन साल एक बार में नहीं बढ़ा सकते ड्यूली टेस्टिंग टू डेटमेटर्स फ्रॉम ईच लाट ऑफ ओवर सेवन और फाइव ईयरस एज तो अब सेवन ईयर्स की तो बात रही नहीं पुराने टाइम में था अब है कि जिस बैच का हम यूज कर रहे हैं उस बैच का फाइव ईयर पूरा हुआ है उसमें से दो डेटमेटर निकाल के टेस्ट करेंगे यदि टेस्ट सक्सेसफुल रहा इमटी वैगन के नीचे तो पूरे बैच को दो सा, एक साल का एक्सटेंशन मिलेगा इस तरह तीन बार कर सकते हैं तीन साल बढ़ा सकते हैं पर एक बार में एक ही साल बढ़ाएंगे ओके देन द डेटनेटर्स कंप्लीटेड इट्स लाइफ सेल बी डिस्ट्रॉड अब जिसका फाइव प्लस वन यानी आठ साल पूरा हो गया अभी समझ लो तो उसको क्या करना है डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या है लाइट मिनरल आयल जैसे डीजल वगैरह है इस तरह के आयल में उसको 48 घंटे डुबोया जाता है ताकि उसका जो बर्ष्ट होने का क्षमता है ख़त्म हो जाएगी और फिर उसको थ्रोइंग देम वन बाय वन इंटू द फायर फिर आग में फेंक के दूर खड़े होकर जला दिया जाता है आर बाय बर्स्टिंग देम अंडर द वैगन्स ड्यूरिंग शंटिंग एक तरीका और इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे शेंटिंग ऑपरेशन चलता रहता है सोलोको पायलट को पहले ही बता देते हैं कि हम डिटनेटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको जानकारी में देके के सेंटिंग के करते दौरान बर्स्ट करके ख़त्म कर सकते हैं आर बाई थ्रोइंग इन डीप सी आर बाई बर्निंग देम इन इंसिनरेटर या तो डीप सी में फेंक दीजिए तो वहाँ भी वो ख़राब हो जाता है डिटमेटर या दूसरा तरीका है कि जो एक इंसेनरेटर आता है एक भट्टी टाइप आता है उसके अंदर भी जलाया जाता है तो ये दो तीन तरीके हैं जो भी आसान हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल द एक्सपायर डिटमेटर सेल बी डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ टी आई पी डब्ल्यू आई एंड ट्रिपल सी जो एक्सपायर्ड डिटमेटर्स है एक सुपरवाइजर के प्रेजेंस में ही डिस्ट्रॉय किए जाने चाहिए देन आई थिंक आपने सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह समझा है फिर भी कोई डाउट आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए हम आपको रिप्लाई करेंगे और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके एंड फाइनली थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू